गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपको नीड के बारे में बता रहा हूँ। नीड एक मॉडल भी है और एक मेन वर्ब भी है। तो हम लोग समझते हैं कि नीड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि नीड का जो शाब्दिक अनुवाद होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वह तो होता है ज़रूरत होना, आवश्यक होना। जैसे अब नीड को हम लोग मॉडल के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में कब किया जाता है। तो नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में जब करेंगे तब वो सारे वही नियम का पालन करेगा जो कि बाकी मेन वर्ब करता है। जैसे हमें कहना है उसे किताबों की ज़रूरत है, तो हम लोग बोलेंगे ही नीड्स बुक्स। मुझे एक मोबाइल की ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड अ मोबाइल। तुम्हें हर चीज़ की ज़रूरत है, यू नीड एवरीथिंग। मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो आई नीड अ जॉब। तो आपको जिस किसी की ज़रूरत है आप नीड के बाद वो लगा देंगे। लेकिन अगर आप नीड के बाद वर्ब कहना चाहते हैं तब आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप बोलेंगे आई नीड टू स्टडी। तुम्हें खेलने की ज़रूरत है, यू नीड टू प्ले। हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, वी नीड टू रिवाइज। उसे पढ़ाने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू टीच। उसे अभ्यास करने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू प्रैक्टिस। तो अगर आप नीड के बाद कोई क्रिया लगाते हैं तब आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग इसको पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं। जैसे मुझे कार की ज़रूरत थी, आई नीडेड अ कार। तुम्हें बाइक की ज़रूरत थी, यू नीडेड अ बाइक। और हम लोग इसको अगर क्रियाओं की बात करें तो हम लोग टू लगा देंगे। उसे लिखने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू राइट। मुझे बोलने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू स्पीक। और अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं या इंटरगेटिव बनाते हैं तब आप डू डस डिड का इस्तेमाल करेंगे एज पर द रूल। जैसे उसे किताब की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड अ बुक। मुझे सब कुछ की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड एवरीथिंग। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू से। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू आस्क। क्या उसे आने की ज़रूरत है, डज ही नीड टू कम। क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू गो। क्या तुम्हें चावल की ज़रूरत है, डू यू नीड राइस। क्या तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत है, डू यू नीड अ मोबाइल। तो कुल मिलाकर हमें वर्ब के लिए अगर ज़रूरत कहना है तो आपको टू लगाना है, और अगर आप चीज़ों के लिए कहेंगे तो आप टू नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वो चीज़ आ जाएगा। और अगर इसका पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाएंगे तो आप कह सकते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू से। उसे कार की ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड अ कार। क्या तुम्हें कार की ज़रूरत थी, डिड यू नीड अ कार। क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू गो। इस प्रकार का आएगा। दोस्तों ये तो था मेन वर्ब के रूप में, लेकिन नीड का इस्तेमाल मॉडल के रूप में भी किया जाता है। तो ये केवल नेगेटिव और इंटरगेटिव में इस्तेमाल किया जाएगा। अब मॉडल के रूप में जब किया जाएगा तब हम लोग इसमें डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न ही विल शैल या कोई और दूसरी हेल्पिंग लगाएंगे, क्योंकि नीड एक खुद ही मॉडल है, खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट कम। अब हम लोग टू का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मॉडल के रूप में आने पर हमें अगले वर्ब को जोड़ने के लिए टू भी नहीं लगाना है, न कि नीड में एस आएगा, नीड्स नहीं बोलेंगे। उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट गो, न कि ही नीड्स नॉट टू गो, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मेन वर्ब के रूप में बनाना चाहे तो आप ऐसा बना सकते हैं, ही डज नॉट नीड टू गो, क्योंकि मैंने डज नॉट का इस्तेमाल कर दिया और फिर नीड टू गो बोला है। जैसे तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट आस्क। इसको मेन वर्ब के रूप में बनाए तो यू डू नॉट नीड टू आस्क, ऐसे बना सकते हैं। अब मॉडल के रूप में हम लोग इसका इंटरगेटिव लेते हैं। जैसे इंटरगेटिव कहना है, क्या तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत है, नीड यू शाउट। क्या उसे रोने की ज़रूरत है, नीड ही क्राई। क्या उसे बताने की ज़रूरत है, नीड ही टेल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लोग मेन वर्ब के रूप में लें तब क्या होगा, क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत है, नीड यू गो। मेन वर्ब के रूप में
डू यू नीड टू गो, क्या उसे चिल्लाने की जरूरत है? नीड ही शाउट, मेन वर्ब के रूप में, डज ही नीड टू शाउट, क्या तुम्हें रोने की जरूरत है? नीड यू क्राई, मेन वर्ब के रूप में, डू यू नीड टू क्राई। तो दोस्तों ये है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि मॉडल के रूप में आएगा तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगा, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नीड ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो नेगेटिव में उसी के बाद नॉट लगा देंगे और इंटरोगेटिव में नीड को आगे कर देंगे। लेकिन मेन वर्ब के रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको डू डज डिड का इस्तेमाल करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और अगले वर्ब को जोड़ने के लिए हम लोग टू लगाएंगे। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। स्पीकिंग करते समय आप लोग अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पीकिंग करते समय आप लोग गलतियां करते हैं और समझ नहीं पाते, आप कुछ का कुछ बना देते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद।